किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति जब लंबे उपचार के बाद भी ठीक नहीं होता तो बीमारी को ही अपनी नियति मान लेता है। वो बीमारी से बनी उन परिस्थितियों को स्वीकार कर लेता है, उसमें जीना सीख लेता है। वो सोचता है कि किसी भी तरह चलो भाई दिन कट जाए। व्यक्ति के जीवन में ऐसा होता है ना, कभी कभी राष्ट्र के जीवन में भी ऐसा होता है। हमारे देश में भी एक लंबा कालखंड ऐसा रहा जब लोगों की सोच मजबूरन ऐसी हो गई थी कि बस और कोई सहारा नहीं है, अब तो इसी में गुजारा करना है, बस किसी तरह बस समय निकल जाए, जिंदगी गुजर जाए। ना सरकारों से उनको कोई अपेक्षा बची थी और न ही सरकार भी उनके प्रति कोई अपनी जवाबदेही है वो समझने की स्थिति में थी। साथियों, देश की जनता ने 2014 में एक नया इतिहास लिखने का फैसला कर लिया। फैसला जनता का था। 2014 के बाद भाजपा देश को इस सोच से बाहर निकल करके लाई है। आज निराशा नहीं, आशा और अपेक्षा का युग। साथियों, आज भारत के लोग एस्पिरेशन से भरे हुए हैं। आज हिंदुस्तान का हर नागरिक नतीजे चाहता है, सरकारों का काम करते हुए देखना चाहता है। वो अपनी आंखों के सामने परिणाम प्राप्त करना चाहता है, परिणाम देखना चाहता है। राजनीतिक नफा नुकसान से अलग मैं इसे जनमानस में आया बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज मानता हूं। जब देश के 130 करोड़ लोगों की आकांक्षाएं इस प्रकार से जग जाती है तो निश्चित रूप से सरकारों की जवाबदेही भी बढ़ती है, उनके लिए काम करना अनिवार्य हो जाता है। सार्वजनिक जीवन के हर व्यक्ति के लिए ये जन जागृति अनिवार्य रूप से काम करने के लिए प्रेरित भी करती है, दबाव भी बनाती है। और इसलिए देश के लोगों की बढ़ती हुई एस्पिरेशंस में मैं देश के उज्जवल भविष्य को भली भांति देख रहा हूं। और जब ये सारी चित्र मेरे सामने मैं देखता हूं, आत्मविश्वास से भरे हुए देश के युवाओं को देखता हूं, कुछ कर गुजरने के हौसले के साथ, भागीदारी के विश्वास के साथ आगे बढ़ती बहन बेटियों को देखता हूं, तो मेरा आत्मविश्वास भी कई गुना बढ़ जाता है। साथियों, जब अपेक्षाएं बढ़ती हैं तो अपेक्षित परिणाम लाने के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करने का जज्बा भी बढ़ता है। यही जज्बा देश को आजादी के अमृत काल में नई ऊंचाई पर ले जाएगा।